नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि सूबे में फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समय एक्शन मोड पर है। सीएम योगी के निर्देश के बाद बिजनौर में अवैध रूप से मिलावटी पेट्रोल बेच रहे पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई एवं पेट्रोल पंप के सभी मानकों को चेक किया गया। बांट माप अधिकारी एसडीएम धामपुर व जिला पूर्ति अधिकारी की संयुक्त टीम ने धामपुर में नूरपुर मार्ग पर स्थित अवतार फिलिंग स्टेशन व अन्य एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी की और पेट्रोल पंप के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दी। इस दौरान पेट्रोल पंप की मशीनों से ओवर तेल निकलने के कारण दोनों पेट्रोल पंप की 3 मशीनों को बंद कर दिया गया और पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल पंप के मानक पूरे करने की हिदायत दी गई। जिले भर में चले चेकिंग अभियान से पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपके यहाँ पे पेट्रोल पंप पे चेकिंग की है, ये तो क्या मामला था पूरा बताइए। ये तो जनरल चेकिंग है। जो कमियाँ पाई गई हैं, क्या कमियाँ पाई गई हैं? हमें एक नोजल जो है एक्सेस दे रही है जी, बस और कोई जमा नहीं। उसके कारण मशीन बंद कर दी गई है कितने समय के लिए? वो तो रीएलिवेशन होगा उसका। ये समय छोड़ो, क्या समय रहता है इसका? वो तो जब भी एप्लीकेशन देंगे तभी खुल जाएगी। हवा का भी एक मानक आपके यहाँ पर एक कमी है, हवा की भी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि हवा होना ज़रूरी है ना, ये भी मानक जरूर। नहीं, हवा तो है लेकिन लाइट नहीं आ रही थी उस टाइम, इसलिए बंद था। बताया कि नहीं नहीं लाइट नहीं आ रही थी ना, लाइट भागी हुई उस टाइम। वैसे तो जो अभी बताया है कि मशीन में ज़्यादा तेल आने की वजह से, तो ग्राहक को फ़ायदा है या आपको फ़ायदा है? ग्राहक को फ़ायदा है। तो कब से चल रहा था ये? तो एकोरेट थी, ये टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ये ना उसकी पाइपलाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, यहाँ से इस इधर वाले पंप से दूसरी लाइन है उसकी पाइपलाइन। तो अधिकारी ने बताया हमें कि इससे लाइन से कोई मतलब नहीं इस बात का, तो वो उनके वो है, ये तो टेक्निकली देखेंगे ना तब बताएगा। शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी पेट्रोल पंपों की जांच की जाए, घटतौली की शिकायतें आती हैं या कुछ मिलावट की शिकायतें आती हैं, उसके क्रम में जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन के आदेश के क्रम में हम लोग को एक जांच टीम बनाई गई, जिसमें हम लोग शामिल हैं, सप्लाई विभाग शामिल है और बाट माप विभाग शामिल है। सभी लोग की पूरी संयुक्त टीम हम लोग ने आज ही दूसरा पेट्रोल पंप चेक कर रहे हैं। पहले वाले बगल में एक पेट्रोल पंप था, उसको हमने चेक किया था, तो वो 2 मशीनों में कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, उनका गड़बड़ आ रही है, कुछ ज़्यादा एक्सेस दिखा रही है। तो फिलहाल मशीनों को उनको बंद करा दिया गया और जब वो ठीक करा देंगे, एक बार अपना पूरा मशीन ठीक हो गई कि दोबारा रीडिंग चेक की जाएंगी उसकी, अगर वो ठीक होगी तो उनको खोला जाएगा। फिर यहाँ पर भी अभी कुछ यहाँ पर अनियमितता अभी पाई नहीं गई, अभी चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये सब पूरा एक अभियान है, शासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। ठीक।